बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मॉडर्न हाजी इज़ बैक। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा एक मिशन होने वाला है, आप लोग को पता तो चल चुका होगा कि हमें आज किसी भी तरीके से हतीम में नफिल पढ़ने हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मैंने वीडियोस में बताया हुआ है कि हतीम काबे का ही हिस्सा था, कुछ पैसों की कमी की वजह से उसको खाने काबे के अंदर नहीं एक गोल दायरा करके बाहर बना दिया गया है, जिसको हतीम कहना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हतीम में दो नफिल पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमने काबे के अंदर दो नफिल पढ़ा है। तो एहराम पहन लिया, क्योंकि बगैर एहराम के तो नहीं जा सकते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, लेट्स गो। चलने से पानी बटता था तो ये पानी ले लिया, ये पीते हैं। यही तो अल्लाह के घर की बात है कि प्यास लगी, इतनी धूप हो रही थी, पानी का बस दिल में सोचा कि इतने में लोग पानी बांटते थे तो पानी मिल गया। चुके होटल से, उससे पहले जोहर की अजान है, हमारा मिशन है कि हतीम में दो नफिल पढ़नी है। तो भाई चलते जल्दी जल्दी, हतीम तक पहुँचते हैं। से आप लोग भी दुआ मांग रहे हैं, मैं भी मांग रहा हूँ। हतीम के पास तो आ गए हैं, अब ट्राई करते हैं अंदर जाने का। मेरा माशाल्लाह से काबा बोलेंगे। तो हमारा जो मिशन था हतीम में नफिल पढ़ना, वो तो हो चुका है एक तरीके से फेल, क्योंकि हतीम चूँकि अब इन्होंने टाइमिंग लगा दी सऊदी गवर्नमेंट ने, इसलिए अब हतीम कल सुबह 7 बजे खुलेगा, यानी कि फजर के 2 घंटे बाद। तो हमने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करते, इसलिए हमने तवाफ कर लिया और अभी जा रहे हैं जोहर की नमाज़ पढ़ने। तो हम लोग इधर बैठ चुके हैं और अभी वेट करते हैं जोहर की। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है, अभी चलते हैं होटल की तरफ। गर्मी तो यार यहाँ पर बहुत है, फुल धूप है और ये रहा क्लॉक टावर। माय फेवरेट लग्जरी वॉचेस। अभी हम पता नहीं किसी मॉल के अंदर तो हैं, कुछ लंच के लिए ढूंढते हैं, यहाँ से कुछ खाने के लिए लेते हैं। ये प्लास्टिक का नोट लेते हैं, ये नगेट्स रोल। أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار। तो अभी टाइम हो रहा है मगरिब की नमाज का और हम लोग जा रहे हैं मस्जिद अल हराम। लोगों को लग रही थी भूख, इसलिए हम ले रहे हैं शावरमा। शावरमा
ये रहे हमारे शवरमा, अब खाते हैं। आ चुके हैं मस्जिद अल हराम के अंदर, चलते हैं। दस्तरखान भी बिछा दिए गए हैं क्योंकि मगरिब में इधर हर हमेशा अफ्तारी होती है। अन आपका रोज़ा है जो आप अफ्तारी की जगह पर बैठ गए। अब वेट करते हैं मगरिब की नमाज का। ये माशाल्लाह से इन्होंने ये रखना शुरू कर दिया पैकेट। अभी ये दिखाते हैं, ये चाय भी आई है, ये चाय भी आई है, इसको पी के देखते हैं कैसी है। पापा से शेक बन रहा है। शेक बन रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज पढ़ ली है, अभी चलते हैं काबे की तरफ। आफ्टर नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की नमाज़ पढ़ ली, और ईशा की नमाज़ जो आज की थी वो पढ़ाई है मुफ्ती मोहम्मद शेख अब्दुलरहमान बिन सुदैर, इमाम, सबसे बड़े इमाम काबा। हम इधर कुरान पढ़ रहे हैं और इबान खेल रहा है, ओ मोबाइल चला रहा है। आगे आप लोग क्या ही देखेंगे, हमने डिनर करा और सो गए, लेकिन कल का जो व्लॉग होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं मदीना। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।